जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 7 अक्टूबर शनिवार का दिन, आसीन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शिव योग पुनवर्षु नक्षत्र 11:57 तक बृहस्पति स्वामी होगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में शनि स्वामी होगा। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि का प्रभाव, मंगल की छाया, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है। कई सालों के बाद शनि का शुभ प्रभाव आपकी कुंडली में पुनवर्षु नक्षत्र में आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपके पराक्रम बढ़ेंगे, उत्साह आपके जीवन में बढ़ेगा, मेहनत का परिणाम मिलेगा, सुख बढ़ता जाएगा, धन कमाएंगे, खुशी खुशी अपने जीवन में संपूर्ण सुखों का आप भोग करेंगे। बृहस्पति और शनि का प्रभाव है, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है। आज बृहस्पति जिसके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, बृहस्पति जो आज चंद्रमा से भी प्रभावित है, बृहस्पति जो आपके जीवन में सौभाग्य को जगाएगा, आपके जीवन में शुभ काम का सामर्थ्य बढ़ाएगा। बृहस्पति से ही आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होगी, बृहस्पति से ही जीवन में बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। जीवन की मुश्किलों को शनि दूर करता है, पुष्य नक्षत्र का शनि जिसके वरदान से किस्मत का द्वार खुलेगा, आप ढेर सारा धन कमाएंगे, आपके जीवन में बहुत लाभ सुख सौभाग्य का योग बन रहा है। पुनवर्षु नक्षत्र का बृहस्पति बड़ा ही शुभ होता है, बृहस्पति धन कारोबार में तरक्की लेकर आता है, नौकरी व्यापार में आप बहुत कुछ पाते हैं और जीवन के बड़े संघर्ष पर विजय प्राप्त करने का क्षमता भी बृहस्पति से प्राप्त होता है। यानी भाग्य आपका अच्छा है, आपके जीवन में महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। आज भाग्यशाली समय है, कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा, आत्मविश्वास आपके बढ़ेंगे, क्योंकि आज चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। जब चंद्रमा मजबूत स्थिति में होता है तब आपका जीवन बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, आपकी जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है, बड़ी कामयाबी आप पा लेते हैं। और बुध के साथ जब सूर्य का गोचर होता है तब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता है, शुक्र से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा भाग्यशाली बनाता है। आज राहु की स्थिति बृहस्पति के साथ शुभ है, राहु जो अचानक आपके जीवन में लाभ का अवसर लेकर आता है, राहु जिसके प्रभाव से आपकी किस्मत चमक उठती है, अत्यंत सुफलदायी आज का दिन आपके लिए बड़ी तरक्की लेकर आया है, कार्य की उन्नति जीवन में बड़ी सफलता देगा, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला, आपके जीवन में नई उमंग नया जोश लेकर आपके भाग्य को चमकाने वाला बृहस्पति और शनि का प्रभाव आज आपके लिए शुभ फलदायी है। यानी उसी के प्रभाव से आज अपने जीवन में आप धन कमाएंगे, अपने जीवन में सुख पाएंगे, धन धान से युक्त, बुद्धि बल से युक्त आज आप बड़े गुणवान होंगे। आज जीवन में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य का आगमन भी होगा और कष्ट बाधा से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। पुष्य नक्षत्र का शनि जिसके वरदान से आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है, आज शनि की दृष्टि से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। शनि जो आपके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है और शनि के आशीर्वाद से ही
आज किस्मत का द्वार खुलेगा, यानी शनि के प्रभाव से ही सफलता भी आप पाएंगे, धन भी कमाएंगे, पराक्रम ऊर्जा भी आपकी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास जब बढ़ता है तब आपकी जीवन में आपकी ऊर्जा सकारात्मक परिणाम लेकर आती है। भाग्य के धनी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आप हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है और मंगल की दृष्टि जब बृहस्पति पर पड़ती है तो बृहस्पति और भी ज्यादा बलवान हो जाता है, शुभ काम का सामर्थ्य देता है, जीवन में शुभता बढ़ाता है, जिससे आपकी जीवन की चिंता दूर होती है, गृहस्थ जीवन का सुख बढ़ता है, ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिसकी बदौलत आप इच्छा शक्ति और आकांक्षा के शिखर पर पहुंचते हैं, जीवन में सबसे आगे रहते हैं, रूप और गुण आपका आकर्षक होता है, संतान का सुख पाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, स्त्री से अच्छे संबंध होते हैं और जीवन में खुशी और सुख की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा बेहतर योग लेकर आया है, जिससे आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे, जिससे आपके जीवन में अनेकों लाभ के अवसर मिलेंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी और जीवन में धन सुख की प्राप्ति होगी। आज का दिन चार चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी सूर्य है, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है, चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। प्रथम चरण का बुध और द्वितीय चरण का सूर्य एक साथ इस समय आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है, जो समृद्ध होकर जीवन में प्रतिष्ठा लेकर आता है। मंगल कामना के साथ जो भी काम करते हैं वो काम आपके सफल होते हैं, आपकी इच्छा पूरी होती है, स्वाभिमान जीवन में बढ़ता है और लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसकी बदौलत आपका नौकरी व्यापार अच्छा चलता है और स्टूडेंट के जीवन में कोई बड़ी सफलता का योग प्राप्त होता है। तो आज बेहतर परिणाम की प्राप्ति का दिन है, धन और लाभ अर्जित करने का दिन है, ग्रह की स्थिति आपके जीवन में शुभ संयोग बना रहा है, जिसके कारण आपके लिए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, इरादे मजबूत होंगे, कामयाबी सफलता आप पाएंगे, सुख संपत्ति का भोग करेंगे और भाग्योदय का योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका भाग्य चमकने वाला है। तृतीय चरण का मंगल सामर्थ्य को बढ़ाता है और चतुर्थ चरण का चंद्रमा जीवन में सुख लेकर आता है। तो आज का दिन बड़े बदलाव के साथ बड़े लाभ का योग है। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली योग है। आज राहु काल 9:13 से 10:41 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर येलो होगा, लकी नंबर 9 होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त सुबह 4:39 से आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:45, विजय मुहूर्त 2:06 और अमृत काल रात्रि का समय 9:18 आपके लिए शुभ रहने वाला है। बृहस्पति शनि के प्रभाव से चंद्रमा शुक्र की दृष्टि से आज पुनर्वसु नक्षत्र में और पुष नक्षत्र में शिव योग में आपकी किस्मत बदलेगी, आपके भाग्य बदलेंगे। तो जीवन में मेहनत से काम करें, निश्चित ही बड़ी सफलता, कामयाबी, उपलब्धि, तरक्की और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।